जम्मू कश्मीर से जब से धारा 370 की समाप्ति हुई है तब से केंद्र सरकार यही कहती रही कि एक निशान एक विधान एक प्रधान ये नया हिंदुस्तान है। लेकिन आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं एक बार फिर से पीडीपी ऑफिस के बाहर यहाँ पर कुछ लोग जो है नजर आ रहे हैं जो स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर के झंडे को जो है जलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर रोष जो है वो प्रकट किया जा रहा है और यहाँ पर स्पष्ट रूप से वो मुफ्ती को एक संदेश भी देने की कोशिश है कि जिस तरह से उन्होंने कहा था कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तब तक हम जो है तिरंगा नहीं उठाएंगे। लेकिन ये पीडीपी ऑफिस के बाहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्पष्ट रूप से ये तस्वीरें यही बयां कर रही है कि जम्मू के जो लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुस्सा है और तिरंगा जो है यहाँ पर लहराया जा रहा है और तिरंगा लहराते हुए पीडीपी को एक स्पष्ट संदेश जो है वो देने की भी यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं धारा 370 की समाप्ति के बाद खुशहाली जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि पीडीपी ऑफिस की बात की जाए तो इससे पहले की यहाँ पर तस्वीरें ये थी कि जब महबूबा मुफ्ती ने इस तरह का बयान दिया था उसके बाद काफ़ी रोष था और यहाँ पर तिरंगा रैली तक निकाल दी गई थी और यहाँ पर अगर हम दिखाएँ तो पीडीपी के ऑफिस में भी तिरंगा फहराने की काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त काफ़ी ज़्यादा कोशिश की गई है। लेकिन आज आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें किस तरह से जम्मू में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है और जम्मू में यही एक आवाज़ जो है वो बुलंद हो रही है। तो किस तरह का संदेश है ये महबूबा मुफ्ती को जो कहती हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तिरंगा नहीं उठेगा। देखिए ये जो देश विरोधी लोग हैं देश विरोधी लोगों को जम्मू कश्मीर में रहने का किसी प्रकार का हक नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं तब तिरंगा पकड़ लेती हैं जब चीफ मिनिस्टर होती हैं, तब नहीं पकड़ती जब चीफ मिनिस्टर नहीं है। जनता ने इनको चुनकर यहाँ पर प्रतिनिधि खड़ा किया था और ये देश विरोधी काम करेंगे, इनको ऐसे जम्मू कश्मीर में रहने का कोई अधिकार नहीं, इनको सलाखों के पीछे बंद कर देना चाहिए जैसे ये पहले बंद थी, तभी देश की शांति अखंडता को बचाव होगा। नहीं तो आने ऐसे लोग जो ऐसे शरारती तत्व हैं ये देश को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। वो मुफ्ती ये भी कह रही हैं कि इनको कश्मीरी नहीं चाहिए कश्मीर चाहिए, क्या जवाब है? ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का कोई हक ही नहीं है। हमारे देश में इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे देश के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे देश के तिरंगे के नीचे इलेक्शन लड़ते हैं और हमारे देश के तिरंगे के ही अपमान करते हैं ये लोग। ऐसे लोगों को हमारे देश में रहना ही नहीं चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे ऐसे लोग हमारे देश में रहे नहीं और इन लोगों को हमारे देश के लिए हमारे देश हमारी ड्यूटी जेएनके के अंदर इलेक्शन लड़ने का कोई हक ही नहीं है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दबाने की राजनीति काफ़ी हो रही है और हम डरने नहीं वाले। या इसका ये जवाब देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल नहीं डरने वाले। ये हमें कहते हैं कि तिरंगा ना उठाएं, भाई क्यों ना उठाएं तिरंगा, हम इस देश की एक यूटी में रहते हैं, हम कोई पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम तिरंगा ना उठाएं आप पाकिस्तान चले जाइए, हमारे देश के यहाँ पे हमने ऑफिस बनाया हुआ अपना जो हमारे जम्मू में ऑफिस बनाया, जम्मू के लोगों को बोल रहे हैं आप तिरंगा ना उठाएं, क्यों ना उठाएं। क्यों यहाँ पर फ्लैग जो है जम्मू कश्मीर का जलाया गया? जम्मू कश्मीर का फ्लैग इसलिए जलाया गया क्योंकि जो 370 है वो पास्ट है, वो दोबारा से वापस नहीं आने वाला है। वो सरकार का बहुत अच्छा फैसला था, उसका हम सपोर्ट करते हैं, इस देश का युवा उस फैसले का सपोर्ट करता है। अगर जब 370 यहाँ पे लागू था तब हमारे वोट बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, सारी जो प्रिविलेजेस थी वो कश्मीरियों को दी जाती थी। आपको उम्मीद है कि जम्मू के लोगों को यहाँ पर अधिकार मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, 370 टूटने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ पे। जैसे कि नया लैंड लॉ आया, अगर हम किसी और स्टेट में जाके लैंड खरीद सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खरीद सकते? सभी ये पूरा देश यूनाइट है, पूरा देश एक है। अगर जम्मू कश्मीर इस देश की यूटी है तो बाकी लोगों को भी जम्मू कश्मीर में रहने का पूरा हक है। चलिए साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीडीपी ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि पुलिस की जो है तैनाती जो है यहाँ पर कर दी गई है उसी तरह से जिस तरह की पहले तस्वीरें रही हैं तमाम लोगों को रोकने के लिए। लेकिन ये एक स्पष्ट संदेश महबूबा मुफ्ती को भी है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति जो है अपनी आन बान और शान के लिए यहाँ पर जीता है, हर एक व्यक्ति जो है यहाँ पर तिरंगे के लिए ही यहाँ पर अपनी जान निशावर करने की कोशिश करता है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज झंडा जो है जम्मू कश्मीर का क्यों जलाया गया? क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो कहती हैं जब तक वो वापस नहीं आएगा तिरंगा नहीं उठाऊंगी। महबूबा मुफ्ती जब अपने कफन में जाएगी ना तो ये तिरंगा भी ये जो उसका झंडा है उसके साथ ही अंदर डाल देंगे। हम नहीं इस झंडे को मानते अपना,
हम जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, गांधीनगर में खड़े हैं, जम्मू कश्मीर की धरती है, यहाँ पे हमने वो झंडा फूंक दिया। पहले कश्मीर में तिरंगे फूके जाते थे, अब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के झंडे फूके जा रहे हैं। आपके सामने प्रूफ है, मीडिया में ऑन रिकॉर्ड आ गया। समझाने की कोशिश कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को ये समझाना चाहते हैं कि महबूबा जी सुधर जाओ, संभल जाओ, ये जम्मू कश्मीर है, आपके बाप की जागीर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है, आपके बाप की जागीर नहीं है, तिरंगा यहाँ की आन बान शान है और हिंदुस्तानी है हम, और हमें हिंदुस्तानी होने में गर्व है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है दबा रही है केंद्र सरकार तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर को। किसको दबा रही है? महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं उसको दबा रही होगी महबूबा मुफ्ती, अच्छी बात है, दबाना चाहिए उसको, उसको कवर के अंदर डालना चाहिए। भी माने ना कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है, जो नया जमीन का कानून आया है जिसमें ये तमाम लोग गुपकार डिक्लेरेशन बना लेते हैं, पीपल्स अलायंस बना, जिसमें ये कहते हैं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं जम्मू कश्मीर इज ऑन सिट, क्या प्रतिक्रिया रही? इनके खुद की जमीनें बाहर है वो सारी भेज दें, जो इनकी दिल्ली में जो फॉरन में इनकी जमीनें हैं वो भेज दें। जम्मू कश्मीर में क्या मतलब, तुम बाहर की नौकरियां लो, जम्मू के बाहर के जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो हिंदुस्तान में नहीं आए। तुमने जम्मू को घेरने की कोशिश की थी बठिंडी वगैरह का, अब तुम्हें घेरने की कोशिश हो रही है, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? यानी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी जम्मू कश्मीर? आगे कौन सी आइडेंटिटी थी हम जम्मू वालों की? नौकरियाँ तो कश्मीरियों को मिलती थी, हमें क्या मिलता था? वो छनकने में जाते हैं ना, छनकने में जाते थे वाले हम। चले, साफ तौर पर काफ़ी गुस्सा है और एक स्पष्ट संदेश जो है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी यही है कि तिरंगे की आन बान और शान के लिए जम्मू वासी जीते हैं और जम्मू वासी जो है तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर देंगे। और एक संदेश ये भी है जम्मू कश्मीर का झंडा यहाँ पर जलाते हुए कि हमें तिरंगा ही पसंद है। इसी के साथ मुझे पारस के साथ मेरे रूपानी आपसे।